हे गाइस, वेलकम बैक टू न्यू ब्लॉग और होली की हार्दिक शुभकामनाएं यूट्यूब फैमिली को। तो हम लोग आ गए हैं ब्लॉग की शूटिंग करने के लिए, तो होली का ब्लॉग आने वाला है गाइस। हाँ गाइस, तो फिर हम लोग ना अभी मार्केट गए थे, ये ड्यूटी से घर आ गए थे जल्दी, तो बोलने लगे कि चलो सामान लेने जाना है, तो चलो हम लोग मार्केट गए थे। तो हमने फिर सामान तो बस अभी कुछ नहीं लिया, अभी तो हमने खाली एक होली वाली टोपी ली और इसने एक मास्क लिया और बस। वो फिर हम लोग ने सोचा चलो पास में ही थोड़ा सा वहीं पर पार्क था, तो हमने कहा चलो पार्क में भी घूम लेते हैं। तो हम लोग बस वहीं गए, तो हमने सोचा थोड़ा सा यहाँ पर ब्लॉग शूट कर लेते हैं, तो फिर वही आप लोग के साथ शेयर कर रहे हैं। इस समय शाम का बजा है 5, तो हम लोग 5:30 बजे हम लोग यहाँ पर पहुँचे हैं। तो फिर हम लोगों ने रंग लिया, तो ये बेटे ने रंग भी लगा दिया हमारे मुंह पे, ये तो इन्होंने तो थोड़ा सा लगाया क्योंकि इनको पसंद नहीं है ना, तो हम लोगों ने तो रंग लगा दिया। तो हम यहाँ पर घूम लिया क्योंकि टाइम था, अभी घर में भी कुछ काम नहीं था, तो बेटी घर में पढ़ रही थी, तो फिर उसने सोचा, उसने कहा कि मैं नहीं आती, वो आती भी नहीं है वैसे भी, और उसका एग्ज़ाम है ना 10th के, तो फिर वो उसने बोला कि हम तो भी मैंने ये बस टोपी और वो बेटे ने उसने बोली कैप बस हो गया। फिर यहाँ पर को जो है यहाँ पर इतने अच्छे अच्छे झूले थे कि देख करके ही मन कर रहा था कि झूले खेल ले थोड़ा सा। फिर बेटा घर से ही बोल रहा था कि मम्मी वहाँ पर जाएंगे तो झूला खेलेंगे, ये पार्क इनके ऑफिस के जहाँ इनका ऑफिस है तो वहीं पर बगल में ही है इनका पार्क, ये वाला पार्क। तो फिर वहाँ पर हम लोग गए, तो यहाँ पर हमने थोड़ा थोड़ा सब लोगों ने झूला भी झूल लिया, थोड़ा सा एक्सरसाइज वगैरह यहाँ पर जो है एक्सरसाइज वाले झूले हैं ना, तो वही हमने ये सब कर लिए, थोड़ा सा खेला। इन्होंने इनसे भी बोला हमने कहा थोड़ी देर चलो, तो फिर इन्होंने भी थोड़ा मस्ती कर ली झूले में बैठ के। उसके बाद जो है यहाँ पर थोड़ा थोड़ा सबने झूला खेला और फिर थोड़ा सा घूमे थे हम लोग यहाँ पे, एक्सरसाइज कर रहे हैं पापा बेटी। तो गाइस चलिए ब्लॉग में बने रहिएगा, ब्लॉग को पूरा देखिएगा गाइस। यहाँ पर जो है मैंने भी जो है यहाँ पर थोड़ा सा झूला के लिए, आज मैंने होली वाली साड़ी पहनी थी, कैसी लग रही है गाइस बताइएगा। ये मेरे पास बहुत सालों से रखी थी और रंग वाले दिन तो मैं पहनती नहीं हूँ साड़ी, क्योंकि उसे साड़ी पहनने में थोड़ा सा उलझन होती है ना, अच्छा नहीं लगता है। वही पे मैंने आज होली जैसे स्टार्ट होती है तो एक दो दिन में पहन लेती हूँ, एक दिन उसको साड़ी वाली रखी रहती है, बहुत सालों से रखी है मेरे पास ये साड़ी। और फिर उसके बाद यहाँ पे जो है ये कि झूला ये था, तो हम इसको घुमा रहे थे तो हाथ ही नहीं पहुँच रहा था इसमें वही थोड़ा सा हमने कहा चलो मस्ती कर लेते हैं, और क्या घर में तो बस वही रोज़ सुबह से काम करो, बस वही खाना बनाओ खाओ सो आराम करो, या फिर बस यही सब रहता है ना, थोड़ा बाहर निकल जाओ तो अच्छा लगता है। तो अभी हम लोग घर को जाएंगे तो रास्ते से अभी थोड़ा सा खोया वगैरह लेना है, अभी मैंने गुजिया नहीं बनाई है ना, कल बनाऊँगी गुजिया, तो खोया लेना था और छोटा मोटा और थोड़ा सामान लेना था, तो वही अभी हम यहाँ पे घूम लेते हैं थोड़ी देर, उसके बाद चलते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर कोई कितना अच्छा बना है ना, यहाँ पर ये वो बना है, यहाँ पर घोड़ा बना है या कुछ बनी है, भैंस बनी है, पता क्या बना है ना, ये अच्छा लग रहा, सुंदर लग रहा था, तो मैंने कहा आप लोगों के साथ ही शेयर कर दें, तो वही दिखा रही थी मैं आप लोगों को। चलिए फिर और आगे देखते हैं, तो आप लोगों के तो गुजिया सबके बनी गए होंगे, मैंने तो अभी तक नहीं बनाया क्योंकि थोड़ा सा ये मेरे हाथ में भी हो रहा था ना बनाने में, मतलब थोड़ा सा वो थी, तो मैंने कहा अभी कल बनाऊंगी, या परसों होली है तो कल बनाएंगे, बन जाएंगे, कल दोपहर में बना लेंगे। उसके बाद जो है गुजिया की रेसिपी आप लोगों के साथ भी शेयर करेंगे किस तरीके से मैंने गुजिया बनाई। यहाँ पे ना ये कोई मटर की जैसे पेड़ है, यहाँ पे जैसे होते नहीं है मटर, जंगली मटर है ये, वैसे असली वाली मटर के तो पेड़ तो ऐसे होते हैं, लेकिन मटर इस तरीके से नहीं होती है, थोड़ा अलग है, मटर की जैसी है पर उसमें कुछ बाल टाइप के हैं, कांटे जैसे हैं इस मटर में, तो देखने में अच्छा लग रहा था इसको, तो बड़ा अच्छा लग रहा था यहाँ पर। वही मैं आप लोगों को भी दिखा रही थी थोड़ा सा, देखिए जैसे कितना सुंदर है ना, यहाँ पर इतनी ठंडी ठंडी हवा चल रही है, बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ घूमने में, मन तो कर रहा है कि और एक दो घंटा और घूमें यहाँ पर। तो ये हाथ में मैंने ये वही पकड़ा है ये, अब क्योंकि मैं ये पर्स वगैरह कुछ मैं लेके आई नहीं, क्योंकि इनके पास रहता है, इनके पास पैसे वगैरह तो सब इन्हीं के पास, मैं तो कुछ लेके भी नहीं आई, तो इन्होंने ही सब दिए थे सामान, जो भी लिया था तो इन्होंने ही लिया था, इसीलिए हाथ में वही मैंने पकड़ा है ये जो पैकेट पकड़ा है। तो यहाँ पर जो है ना ये पानी के फुहारे चल रहे थे, तो अच्छा लग रहा था पानी में जो है, अभी जैसे 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 गर्मी होगी ना वैसे वैसे ये पानी वाली जगह में जाने में और अच्छा लगेगा, तो मन करेगा कि यहीं रहें बस घर जाएं ना, यहाँ पर बहुत सुंदर लग रहा था।
थोड़ा सा घूम रहे थे। बेटा उधर वहाँ झूला, वो तो झूला ही खेल रहा था, उसको तो बस बहुत अच्छा लगता है झूले में वहाँ खेल रहा था। तो मैंने सोचा चलो आज थोड़ा सा ये वीडियो शूट कर दें। आप यहाँ आकर के देखिए कितने कितने अच्छे फ्लावर हो रहे हैं यहाँ पर, ना ये डहलिया के फ्लावर हैं, बहुत सुंदर हो रहे हैं। वैसे भी आजकल तो ये फूलों का टाइम है, तो पार्क वगैरह में सब जगह अच्छा ही लगता है ना। तो ये देखिए सब देखते रहिए, आप लोग ब्लॉग में बने रहिएगा गाइस। और आप लोगों के इतने अच्छे अच्छे कमेंट आते हैं तो अच्छा लगता है पढ़ के। तो वही गाइस, अच्छे अच्छे कमेंट करिएगा। तो आप लोगों के कमेंट जितने मतलब कमेंट है आप लोगों के आएंगे, मैं उसका रिप्लाई करूंगी गाइस। और वैसे भी मैं सबके कमेंट्स का रिप्लाई तो मैं कर ही देती हूँ, जैसे न्यू वीडियो में अगर कोई कमेंट आता है ना तो मैं रिप्लाई कर देती हूँ। अगर कोई पहले की वीडियो है उसमें किसी ने कमेंट किया तो वो थोड़ा रह जाता है, क्योंकि वहाँ देखने इतना टाइम कहाँ मिलता है, सुबह से वही है काम करो, घर का भी छोड़ दे, दोपहर में फ़ोन पकड़ो तो आँखों में थोड़ा सा पानी आने लगता है, जैसे फ़ोन में देखे देखे बार बार ना वही। और फिर उसके बाद शाम को थोड़ी देर देख लेते हैं, तो कभी किसी की लाइव में चले जाओ, कभी अपना कोई वीडियो देख लो, या फिर तो सारा दिन तो होता ऐसे हो जाता है। तो कभी किसी के कमेंट का अगर मैंने रिप्लाई नहीं दिया तो उसके लिए सॉरी, पर मैं धीरे धीरे आप लोगों का रिप्लाई मैं दे ही दूँगी कभी ना। तो इसीलिए फिर चलिए फिर ये देखिए यहाँ पर ये भी घूम रहे हैं, इनको भी थोड़ा सा टाइम मिल जाता है आजकल, इनके ऑफिस में आजकल ज़्यादा काम रहता नहीं है तो ये जल्दी आ जाते हैं घर। यहाँ पर देखिए कितने सुंदर फ्लावर हो रहे हैं ये।
ये दिखा, हम दिखा रहे हैं। ये देखिए गाइस, ये गए थे तो इसने ये लिया है। देखो ये कैसा हमें खाने में दिखाओ तो। ये वैसा है, किसकी तरह विमल बोलो जुबा केसरी ना करो वैसी है। ये बनी वो चौका, ये मेरा असली चेहरा विमल बोलो जुबा केसरी, उसका फेस जरूर है विमल।